बैग तैयार है मेरे और मैं भी तैयार हूँ। और भाई पहुँच गया, टिकट कट चुका मस्त 1230 रुपए का। फाइनली हल्द्वानी पहुँच चुके हैं, पूरा नाइट मतलब हम लोगों ने ट्रैवल किया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज मतलब मॉर्निंग में इतना स्माइलिंग फेस देख के आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो आज बहुत ही खुशी वाला दिन है, बहुत खुश हूँ मैं। और ये इस खुशी का राज आने वाले ब्लॉग में मिल जाएगा। अभी आगे इस ब्लॉग के एंड तक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है और ब्लॉग में प्लीज़ लास्ट तक बने रहना, रिक्वेस्ट है। अगर स्किप कर दिया तो मिस कर जाओगे, तो प्लीज़ ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना, बहुत ही मज़ा आने वाली है, बहुत ज़्यादा गाइस। और अभी मैं फ़िलहाल एकेडमी की ओर जा रहा हूँ, एकेडमी ओपन करता हूँ, वहाँ पे लाइट वगैरह लगानी है तो लाइट आइट लगाते हैं और थोड़ा साफ़ सफाई वगैरह भी करनी है तो साफ़ सफाई करते हैं। फाइनली हम अकेडमी पहुंच चुके हैं। अभी मतलब धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं, मतलब छोटे छोटे तरीके से स्टार्टिंग कर रहे हैं इसको, थोड़ा डेकोरेट करने की अकेडमी को और थोड़ा इसको अच्छा बनाने की। वैसे तो अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, बट और इम्प्रूव कर रहे हैं चीज़ों को ताकि बच्चे जो हैं इंगेज हो पाएँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, बड़ी LED आई थी, तो बड़ी LED का तो कुछ ऐसे प्लान नहीं है, बट छोटी LED लेने जा रहे हैं आज। लाइट पे ही काम करते हैं, लाइट का काम करती है तो उसी के लिए हम लोग निकल रहे हैं। और फिर शाम को आपको जैसे पता होगा, नहीं पता वैसे, मैंने बताया ही नहीं है, तो फिलहाल शाम को मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड। तो आज मतलब पूरी नाइट ट्रैवल होगा मेरा, तो उत्तराखंड के लिए निकलना है फिलहाल, तो चलते हैं। भैया वेट कर रहे हैं मेरा, निकल कि मैं खड़ी गाड़ी में बैठने में तो अरे बहुत गर्मी हो रही है। मतलब गाड़ी अगर धूप में खड़ी होती है तो उसके बाद तो भैया जो बैठता है उस पर ना तो उसकी कयामत ही आनी है। लोग समझ ही होंगे क्या बोल रहा हूँ मैं, बट जो नहीं समझा कोई बात नहीं, मत समझो, कुछ अच्छी चीज़ नहीं है। तो फिलहाल अच्छे से सीख गए हमारे जो भी सीखने थे, फिलहाल हम लोग रूम पर भी पहुँच गए, रूम पर पहुँच गए, पैसे लेते हैं, पैसे उठाते भी चलते हैं। तो भैया धूप में जाने से पहले देखो मैं किस तरीके से पैक हो गया, इतनी तेज़ धूप हो रही, भैया ने तो हेलमेट डाल लिया, फुल कपड़े पहन लिए, मैं एकदम डाकू की तरह तैयार हो गया। मिर्ज़ापुर नहीं, क्या नाम था वो कौन सी मूवी थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर का गुंडा जो दादा था वो। तो फिलहाल चलते हैं, अभी हम लोग पैसे फिर में रख के जाते हैं, धूप बहुत ही हो रही है इसीलिए। तो हाँ फिलहाल निकलते हैं, भैया गाड़ी निकाल रहे हैं, हम भी निकलते हैं। फिलहाल न्यू विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स पे पहुंच गए हम लोग, खुरम नगर पे। भाई साहब मेरे से आ गए हैं, LED स्ट्रिप देख ली इन्होंने, सबसे पहले पानी पी रहे हैं, इससे पहले भी एक दूसरे का ट्राई किया बट वहाँ नहीं मिली। ये वाली कितनी प्यारी लग रही है, ब्लू वाली, बहुत तगड़ी तगड़ी लाइट्स है फिलहाल यहाँ पे, तो ये भी अच्छा लग रहा है। हमेशा की तरह आज फिर से हमारी गाड़ी में तेल ख़त्म हो गया, मतलब भैया की गाड़ी में तो पहली बार हो रहा है ऐसा कि तेल ख़त्म हो गया, तो हम लोग पुश करते हुए ले जा रहे पेट्रोल पंप पे। फाइनल पहुंच गए, नहीं बेइज्जती नहीं करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ था कि दो तीन दिन से गाड़ी निकाली थी, परसों शाम को मुंशी पुलिया गए थे तो उस दिन जब गाड़ी निकली थी तो तेल ज़्यादा यूज़ हो गया, कहीं लंबा भी घूम गए थे, इसीलिए आज ख़त्म हो गया, धोखे में रह गए हम लोग। तो फिलहाल तेल डलवाते फिर चलते घर की ओर, यार बहुत गर्मी हो रही है और लाइट आइट का थोड़ा दिक्कत हो गया, लाइट आइट कुछ मिली नहीं ढंग की, इसलिए हम लोग वापस आ गए। गर्मी बहुत बढ़ रही है, आफत आ गई गर्मी की, भैया तेल डलवाते और बात करते फटाफट से घर को। ड्रीम कार के सामने खड़े हैं और प्लस ड्रीम कार की कंपनी के सामने खड़े हैं, वाह है, एक दिन आएगी हमारी भी ऐसी, रेड कलर की लेंगे थार, जल्दी लेंगे जल्दी, बस आप लोग प्यार बनाए रहना और सपोर्ट करते रहना, ठीक है। तो जल्दी हम लोग ये वाला ड्रीम भी कंप्लीट करेंगे अपना, बस आप सबके सपोर्ट पे टिके हुए हम लोग, सपोर्ट रहेगा तो जल्दी से जल्दी हो सकता है, तो प्लीज़ खूब सारा सपोर्ट करना, ठीक है। और कल से ब्लॉगिंग में वैसे भी इम्प्रूवमेंट होने वाला है, तो खूब मस्त मस्त से ब्लॉग देखने को मिलेंगे, खूब शेयर करो, खूब ज़्यादा लाइक करो और जितना हो सके मतलब फैला दो वीडियोज़ को, थोड़ा सपोर्ट करो और प्यार तो आप करते ही हमेशा से, और बस इसी तरीके से सपोर्ट रहेगा आपका आगे भी, तो जल्दी हम बहुत कुछ करेंगे। 2 hours later. तो भैया फिलहाल बैग तैयार है मेरे और मैं भी तैयार हूँ, और अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 3:56 और अब मैं घर से निकल रहा हूँ, घर से निकलता हूँ फटाफट, फिर भैया मेरे को छोड़ने आएंगे केसरबाग तक, तो भैया के साथ में जाऊँगा केसरबाग, तो
फिलहाल निकलते हैं अभी फटाफट। बाय बाय, मिलते हैं कुछ दिनों बाद। रूम से बोल रहा हूँ। Everything at stake. I thought I would take it all back. तो गाइस फाइनली केसरबाग पहुंच गए हम। अब चलते हैं बस स्टैंड की ओर। उत्तराखंड परिवहन निगम की अल्मोड़ा वाली बस मिल चुकी है, चलते हैं फटाफट से। और ढेर सारे पहाड़ी देखने को मिलेंगे आज। चलो तो गाइस फिलहाल चलते हैं अपनी बस के अंदर, मतलब पूरी रात इसी में काटनी है आज। फिलहाल पूरी नाइट ट्रैवल करना है। फाइनली आज थोड़ा ऐसा हो गया कि टाइम पे भी पहुंच गए और सीट भी मिल गई। फिलहाल ये सीट मिली है, खिड़की की साइड मस्त में बैठूंगा और इधर मोहित बैठेगा। मोहित को कॉल करता हूँ। फिलहाल मोहित भी आ रहा है मेरे साथ में। आपने मैंने आपको बताया भी नहीं था मेरे साथ में आ रहा है मोहित। मोहित को कॉल करके बुलाता हूँ। और भाई पहुँच गया। वाह, तू तो मतलब कतई वो हो क्या रहा है। तूने बैंड में सुसु क्यों कर दी? सुसु नहीं कर रखी यार, वो देख रहे हो यार, बैठे बैठे ही दिक्कत हो रही है यहाँ पे। तो भैया एक पोपट हो गया बहुत बढ़िया वाला कि घर से तो निकले थे बट कैश नहीं निकाला था। तो फिलहाल अभी कैनरा बैंक के ATM पे जा रहे हैं, तो हाँ फटाफट से कैश निकालता हूँ फिर चलते हैं हम लोग। हाँ बस कैश निकल चुका है, निकाल ही चलते बस स्टैंड की ओर। हाँ एक थोड़ा राहत मिली वरना हम लोग ATM ढूंढने में लग जाते हैं। तबीयत खराब थी आपकी मैंने सुना? खराबी है भाई साहब। बाय बाय, मिलते हैं कुछ दिनों बाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय कर दीजिए, आने वाले ब्लॉग में देखेंगे इनको कुछ टाइम बाद। ध्यान रखना अपना, ठीक है? बाय बाय, आप आराम से जाओ। बिल्कुल चिट्ठी इट्ठी आराम जाओ। तो गाइस आधा एक घंटे से हम लोग बैठे हुए सीट में और फाइनली अभी बस चल पड़ी। थोड़ा सा मतलब एक सुकून मिल रहा है, मतलब बैठे बैठे इतनी गर्मी हो रही थी ना, पसीने से हालत ख़राब हो गई। नहा के आया था दोबारा नहा लिया मैंने, तो मोहित बार मस्त हवा खा रहा था। फिलहाल इस ट्रिप में बहुत मज़ा आने वाला है। आज मैं वैसे सोलो ट्रिप करने वाला था बट मोहित का कन्फर्म नहीं था पहले, फिर मोहित का कन्फर्म हो गया तो मोहित की कॉल आई थी, मैं भी चलता हूँ। मैंने कहा चलो, तो साथ में जा रहे हम लोग। आज का ये ब्लॉग एंड होगा हल्द्वानी पहुँच के, तो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं लखनऊ से ही, केसरबाग बस डिपो से। तो चलिए। टिकट कट चुका मस्त 1230 रुपये का लखनऊ टू अल्मोड़ा, ये देखो। और टिकट कट चुका है और मस्त एकदम हवा खाते और निकलते पहाड़ की ओर, चलते अभी मस्त से। कहीं और दूसरी जगह पे रुक गई क्योंकि मैकलगंज पहुँचने में काफ़ी टाइम लग सकता है। चलते फटाफट से कुछ खाते, बहुत तेज भूख लगी है। सुबह नाश्ता किया था, सुबह से दिन में कुछ नहीं खाता, तो भूख लगी फटाफट से चल के खाते खाना कुछ। चलो कुकर सिस्टम है, कुकर ले लिया, 100 रुपये की दाल दे रहे हैं, रोटी सब्जी दाल चावल पनीर। देखते क्या लाते हैं, खाना ना खाते पहले प्लेट का वेट करते हैं। फिलहाल भिंडी की सब्जी, दाल मिक्स दाल और आलू है, आलू की ग्रेवी वाली सब्जी, तंदूरी रोटियाँ, करारी एकदम सलाद और चावल है। तो फटाफट से खाना ना खाते हैं। तो गाइस फिलहाल खाना ना हो गया है, गर्मी से हालत ख़राब हो गई थी, खाना तो खा रहे थे बट पसीने से हैंकी हाथी में थी, एक हाथ से खा रहे दूसरे हाथ से पसीना पोंछने में लगे हुए थे हम लोग। तो फिलहाल बस चलने वाली है और थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो भैया 12:15 बज रहे हैं और अभी पानी की बॉटल ले रखी है, इससे पहले जो पानी की बॉटल थी वो ख़त्म हो चुकी है और नींद बहुत खतरनाक आ रही है। एक नींद मैंने निकाल ली बस से बट गला सूख रहा, पानी प्यास लग गई, फटाफट पानी पीते हैं फिर एक और नींद निकालते, फिर अगली नींद पूरी होने तक अंदर नहीं पहुँचेंगे मस्त। बहुत सालों पहले जब पापा के साथ में आया था एक बार, तो मतलब पहले तो ऐसा होता था कि उल्टी होती थी मेरे को सफ़र में,
तो कुछ खाता पीता नहीं था, तो रास्ते भर से मैं ऐसे ही भूखा आता था। तो पापा के साथ जब आया था तो यहाँ पे रुक के पापा ने मेरे को चाय पिलाई थी, मेरे को अभी याद आ रही है, वही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मैंने कहा शेयर करूँ आप सबसे, और पापा यहीं पे चाय पिलाए थे उस बार, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है याद करके। पुरानी मेमोरीज जब याद आती है ना, वो कहीं ना कहीं रह जाती है वैसे, और जब याद आती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस फाइनली 1:08 पे हम लोग उत्तराखंड के बॉर्डर में एंटर हो चुके हैं। अब इसके बाद आएगा किच्चा, रुद्रपुर और आगे भी बहुत कुछ आएगा। हवा मतलब यहाँ पहुँचते ही चेंज हो गई है, जो माहौल था जो भी था मतलब सब पीछे छोड़ा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत बढ़िया। फाइनली हल्द्वानी पहुंच चुके हम, और अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 1:51। हाँ, आँखें मतलब ऐसी खुल गई, बरेली की बात से तो आँखें खुल गई थी, ऐसे तब से सोए नहीं हम लोग, और फाइनली हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब 6 या 7 महीने बाद मैं आ रहा हूँ आज, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये रहा हल्द्वानी बस स्टैंड। फाइनली हल्द्वानी पहुंच चुके हैं, और आज का ब्लॉग यही था, पूरा नाइट मतलब हम लोगों ने ट्रैवल किया। होप करता हूँ आप सबने खूब इंजॉय किया होगा ब्लॉग आज का, और आने वाले ब्लॉग भी आप खूब इंजॉय करेंगे। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। होप करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, ज़रूर से ज़रूर आई होगी, और जल्दी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।